इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है बॉस कंपनी का डीजे एम्पलीफायर। इसका मॉडल नंबर है XP4000 और इसमें प्रॉब्लम ये है, इसका एक पार्ट प्रोटेक्शन में है, एक पार्ट सही चल रहा है, दूसरा प्रोटेक्शन मोड में है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसको खोल लेते हैं। मैंने इसको खोल लिया है, 90% चांस है इसका मॉस्फेट जो है शॉर्ट हो गया होगा, जिसके वजह से ये प्रोटेक्शन मोड में है। इसका फ्यूज भी जला हुआ है, तो मैं इसका मॉस्फेट जो है चेक कर लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ पहले। मॉस्फेट को चेक करने के लिए जितने भी 10 वाट के रेजिस्टेंस लगे हैं सबको एक साइड से छुड़ाना होगा, नहीं तो ऐसे अच्छे से चेक नहीं हो पाएगा। बिना रेजिस्टेंस छुड़ाए चेक करने पर बीप की आवाज़ आती है, सभी मॉस्फेट शॉर्ट बताते हैं, तो इसलिए सभी रेजिस्टेंस को हटाना ज़रूरी है। सभी को हटा लेते हैं, अगर चाहे तो मॉस्फेट निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। यही सबसे आसान तरीका है चेक करने का। मैंने सभी को हटा लिया है, चेक करते हैं। बेसिक कलेक्टर जो है शॉर्ट बता रहा है और बेस टू एमिटर जो है शॉर्ट नहीं बता रहा है। सभी मॉस्फेट जो है शॉर्ट दिखा रहे हैं, बेस टू कलेक्टर शॉर्टिंग है। दूसरे साइड भी अब देख लेते हैं, इधर भी बेस टू कलेक्टर शॉर्ट है और बेस टू एमिटर सही है, दोनों साइड सेम प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छे से चेक करने के लिए जो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है उसको भी उसका एक सिरा हटाना होगा, तभी कंफर्म होगा कि कौन सा मॉस्फेट जो है ख़राब है। इसके मॉड्यूल को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसका जो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है उसको भी हटाएंगे। मैंने इसके मॉड्यूल को बाहर निकाल लिया,
मैंने सब रेस्टेंस हटा लिया है। अब बेस टू कलेक्टर कोई सॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। ये भी मॉस्फेट जो है सही है, ये भी सही है। ये भी सही है। ये वाला मॉस्फेट जो है देखिए बीप कर रहा है, ये वाला शॉर्ट है। ये भी सही है। अब दूसरे साइड भी चेक कर लेते हैं। ये वाला भी सही है। ये भी सही है। ये वाला मॉस्फेट जो है ख़राब है, इसका तो ये बीप कर रहा था। अब इसको निकाल के कंफर्म कर लेंगे। मैंने इसको निकाल लिया है, अब इसको फिर से चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये बीप कर रहा है। दोनों साइड का एक एक मॉस्फेट शॉर्ट है। तो मैं अब इसमें नया डाल के, इसमें बस दो ही मॉस्फेट ख़राब हैं, एक 5200 एक 1943। तो मैं इसमें अब नया डाल लेता हूँ। उसके बाद इसके सभी रेजिस्टेंस को फिर से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है ख़त्म हुआ कि कोई और प्रॉब्लम है। मैंने इसके सभी रेजिस्टेंस को फिर से जोड़ दिया है और मॉस्फेट भी लगा दिया है। अब इसके पीसीबी को थिनर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे।
मैंने इसके पीसीबी को क्लीन कर दिया है। अब इसका वायरिंग कर लेते हैं। मैंने इसका वायरिंग भी कर दिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके मॉड्यूल को इसमें फिट कर दिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। अब इसमें सप्लाई देते हैं। पहले इसको सीरीज में चेक करेंगे। फैन हमारा चल रहा है। अब देख सकते हैं जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें स्पीकर कनेक्ट करके चेक करते हैं। मैं इसे स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसमें स्पीकर कनेक्ट कर लिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लेवल जो है चल रहा है और आवाज़ भी आ रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो गया है। बस इसमें दो ही मॉस्फेट ख़राब थे।